अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने गेम की रेजोल्यूशन सैमसंग गैलेक्सी S7 में किस तरह चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो ये डिफ़ॉल्ट इसकी रेजोल्यूशन होती है गेम्स के लिए वो 1080p करता है। उसका ये फ़ायदा ये होता है कि आप लोगों की बैटरी लाइफ जो है वो बचती है काफ़ी, लेकिन अगर आप लोगों ने ज़्यादा रेजोल्यूशन में खेलनी है या 720p में गेम खेलनी है या बैटरी लाइफ ज़्यादा बचानी है तो उसके लिए आप लोग ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, गेम ट्यूनर फॉर गेम लॉन्चर। तो ये गेम ट्यूनर जो है बेसिकली ये करता है कि आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी रेजोल्यूशन और गेम्स के मुताबिक जिस तरह आप लोगों ने खेलनी है गेम, और या आप इसमें डिफरेंट टाइप की रेजोल्यूशन जो बेस्ट सेटिंग आप लोगों को पसंद है, अगर आप लोगों ने बैटरी लाइफ बचानी है तो आप लोग वो उसके मुताबिक सेटिंग कर सकते हैं इसकी, और अगर आप लोगों ने ज़्यादा रेजोल्यूशन में खेलनी है तो आप लोग वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पहले तो यहाँ पे जिस तरह के हम लोग ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे है बैलेंस क्वालिटी जो कि मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, जो कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग ये बैलेंस पे होता है पहले से, और आप लोग इसकी मैक्सिमाइज क्वालिटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन पे, जिससे आप लोगों ये 2K में गेम्स आपकी चलेंगी पर गेम परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होगी। डिपेंड करता है, कुछ कुछ गेम्स की परफॉर्मेंस अच्छी है, कुछ कुछ की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। तो आप लोग अगर आप लोगों को परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए तो आप लोग 720p में कर सकते हैं, उससे ये हुआ कि आप 60 FPS पे खेल सकते हैं गेम्स, ज़्यादातर अच्छी परफॉर्मेंस हो जाती है उसकी काफ़ी, अगर आप लोग बैलेंस्ड और पावर सेविंग मोड पे करते हैं, इससे बैटरी लाइफ भी काफ़ी बचती है। तो बेसिकली जो ये बेस्ट सेटिंग वो यही है बैलेंस क्वालिटी जो कि 1080p में रहती है, पर आप लोग डिफरेंट क्वालिटी में खेल सकते हैं। और इस पे हम क्लिक करने के बाद आप सेव कर सकते हैं, तो ये सारी गेम जो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, उसके बाद फिर आप लोग खेल सकते हैं गेम्स। ये सेव का बटन यहाँ पे जिस तरह के बॉटम में आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़, अल्लाह हाफिज़।